नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निकत BTS न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। जो भी मर्डर हुए, जो भी हत्याएं हुई, जो भी अपराध हुए, जितनी शीघ्रता से हो सकता था उनका अनावरण हो चुका है। और मेरा यह प्रयास रहता है कि किसी भी अपराध में कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी दशा में जेल न जाने पाए। अगर कुछ समय लगता तो सिर्फ इसी उदयपुर में लगता है कि जो दोषी है वो जनता के सामने हम उनको ला करके खड़ा कर दें और जो निर्दोष है वो किसी भी दशा में जेल न जाने पाए। अभी हाल ही में भावनपुर में दो हत्या की घटनाएँ हुई हैं सर। एक में गिरफ्तारी होकर के कार्रवाई हो चुकी है, एक अभी कल की घटना है जिसपे हमारा काम चल रहा है। इस जनपद में मेरे कार्यकाल में केवल अपहरण की एक घटना हुई थी जिसको 48 घंटे के अंदर उस बच्चे को रिकवर करके और उसके 6 अपराधियों को जेल के भीतर भेजा गया। गैंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, उनकी संपत्ति की गई। सर, पिछले वर्ष हमने 80 करोड़ से ऊपर संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी और इस ईयर में भी 6 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं और कार्रवाई लगातार निरंतर की जा रही है। इस जनपद में आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति असलहा धारण न कर सके और लेके चल न सके इसका सुनिश्चित किया। 200 से अधिक असलहों के लाइसेंस निरस्त कराए सर, उनको जमा करा दिए थाने पे और ये कोशिश रहती कि कोई भी अपराधी लाइसेंसी असलहों का दुरुपयोग न कर सके। एक सर मेरा अनुरोध है, यहाँ पर जनता जनार्दन उपस्थित है, ज़्यादातर अपराध ज़्यादातर समस्याएं जमीनी विवाद को लेकर के होती हैं। अब थाना समाधान दिवस प्रारंभ हो गए हैं, उस दिन उस थाना क्षेत्र के सारे लेखपाल राजस्व के और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।